महिंद्रा की बी रैली और टाटा की कर में काफी कंपटीशन होने वाला है। पीछे से टाटा की कर लैम्बोर्गिनी यूरस की जाती है। एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो भाई मैं हूं प्रगति मैदान में और ये भारत मोबिलिटी एक्सपो में आई है अपनी टाटा की कर्व। तो भाई कर्व गाड़ी आपने तो पहले देखी होगी, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज जब इस गाड़ी को फिजिकली देख रहा हूं ना अपनी आंखों से, तब यकीन हो रहा भाई कि मतलब क्या गाड़ी निकालने वाला है टाटा। मतलब इस गाड़ी को मतलब क्या ही बोलूं मैं, पहले तो इसकी कॉन्सेप्ट आई थी लेकिन अभी ये गाड़ी रेडी है। मतलब कि ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी आप समझो तो अगस्त या सितंबर के महीने में ये गाड़ी टाटा लॉन्च कर देगा। तो गाड़ी की फ्रंट लुक देख सकते हो भाई, जो कनेक्टिंग DRL का फीचर दिया गया ना, मतलब गाड़ी रेड कलर में और जो कनेक्टिंग DRL लग रही है, मतलब काफ़ी गजब का इंप्रेशन आ रहा है। मतलब पूरी आंखों में लग रही है यहाँ को एक गाड़ी खड़ी है। टाटा का लोगो आपको आगे की साइड देखने को मिलता है, लाइट्स वगैरह की प्लेसमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही में आपको कर्व जो लिखा हुआ वहाँ पे तो अपनी नंबर प्लेट होने वाली है, लेकिन अभी उसमें कर्व लिखा हुआ है। तो पूरी फ्रंट की लुक देखो भाई, मतलब ग्रिल वगैरह हो गई, लाइट वगैरह प्लेसमेंट हो गए, DRLs वगैरह हो गए, मतलब गाड़ी जो लग रही है क्या लग रही है। मेरे तो अभी मेरे पास पैसे हो तो मैं सबसे पहले कर्व ही जाके कर दूँ यार, मतलब बहुत अच्छी लग रही है मेरे को ये देखने में। इसका डिज़ाइन बेसिकली जिन इंजीनियर्स ने इसमें दिमाग लगा के जो डिज़ाइन किया ना, वो मेरे को और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भी फीचर्स तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट फीचर आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट आपको दिख रही होगी कर्व के ऊपर। साथ ही में इसकी ग्रिल की बात करूँ ना, तो ग्रिल भी ब्लैक पियानो फिनिश में जो ग्रिल दी गई है और जो DRL ग्लो कर रही है और जो लाइट्स के सेटअप दिए गए, जैसे नेक्सॉन फेसलिफ्ट में जो लाइट के सेटअप्स आए ना, कहीं कहीं वही मैच करी। मतलब फ्रंट लुक कहीं ना कहीं नेक्सॉन फेसलिफ्ट से मैच कर रहा है, लेकिन जब आप साइड लुक पे आओगे, जब आप इसके टायर प्रोफाइल को देखोगे और ये डायमंड कट अलॉयज़ को देखोगे ना, तब आपकी नज़र लग जाएगी यहाँ पे कि भाई क्या अलॉयज़ लग रहे हैं। मतलब ये जब रोड पे चलेंगे ना ये डायमंड कट वाले अलॉयज़, तो गाड़ी की जो लुक निकल के आने वाली है ना, मतलब आप इसके दीवाने हो जाओगे यार। मतलब गाड़ी देखो क्या लग रही है, मतलब एक कूप SUV है ना, जैसे कि ये कर्व अपनी एक कूप SUV है। अब आप बोलोगे कूप SUV क्या होती है, तो कूप SUV वो होती है भाई जिसमें सेडान और SUV दोनों की फीलिंग आती है। जैसे कि SUV के फीलिंग के लिए गाड़ी की आप ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देख सकते हो, बाकी फीचर्स जितने होते हैं ना वो सेडान वाले कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो ये भाई टाटा कर्व कूप SUV है। इसके साइड प्रोफाइल की बात करो तो भाई साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। मतलब अभी इंटीरियर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि आप देख ही रहे हो एक्सपो में अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर से जितनी चीज़ें हैं ना, मतलब फिजिकली जितनी चीज़ें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ ऐसे इसमें टायर्स आपको मिलते हैं, आई थिंक 17 inches का टायर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा विद डायमंड कट अलॉयज दिया गया है। और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी रोड से ऊंची है भाई। तो गाड़ी का जो डोर्स वगैरह होने वाला है ना, हैंड डोर वगैरह, वो सब आपको XUV 700 में जो आती थी वो वाली होने वाली, मतलब टच करो और डोर्स बाहर आएगी, वो हैंडल बाहर आएगा। अब बात आती है भाई रियर प्रोफाइल की, तो रियर से भाई गाड़ी देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रही है। मतलब इसका जो कनेक्टिंग LED टेल लैंप है ना, वो मतलब क्या बोलूँ। और ये जो डिज़ाइन दिया गया, मतलब स्लोपिंग का जो डिज़ाइन आया ऊपर से लेकर गाड़ी की जो छत है ना वहाँ से जो स्लोपिंग का डिज़ाइन आया, मतलब क्या बोलूँ, लैम्बोर्गिनी यूरस, लोग इसे लैम्बोर्गिनी यूरस से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कर्व की बैजिंग देखने को मिल जाती है, टाटा का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नीचे में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। भाई साहब थोड़ा साइड हट जाओ, मेरे को भी देखने दो यार, क्या फोटो ले रहे हो। कर्व की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे के साइड आपको इसमें पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पे आपकी बैकलाइट हो गई, LED टेल लैंप हो गया, और ये जो कनेक्टिंग LED टेल लैंप है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब रात को जब गाड़ी चलेगी, जब ये ग्लो करेगा ना, फ्रंट में DRL दे दी है, कनेक्टिंग पीछे भी LED टेल लैंप दे दिया है, कनेक्टिंग और क्या चाहिए। और गाड़ी की लुक मेरे को ज़बरदस्त लगी, सबसे जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इसका लुक है। कहीं ना कहीं जो महिंद्रा की आपकी BE रैली आने वाली आ रही है ना, मतलब वो भी एक्सपो में थी, उसकी वीडियो मैंने अभी डाल चुका हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी और ये गाड़ी, मतलब दोनों एक दूसरे का, या टाटा कॉपी कर रही है या BE रैली कॉपी कर रही है, दोनों एक दूसरे का वो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिल रहा है दोनों ही गाड़ी। मतलब इंटीरियर तो भाई यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कैमरा मुझे दिख रहा है, इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम इसमें देखने को मिलेगा। मेन अट्रैक्शन में कोई इसके डायमंड कट अलॉयज देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी जो इसकी लुक वगैरह है ना, गाड़ी एक मतलब कहर ढा रही है। तो अब भाई बात आती है इसके डायमेंशन की, इसमें क्या क्या डायमेंशन है, वो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के कि इसमें क्या क्या डायमेंशन है और क्या क्या बोल रही है कंपनीज। भाई सबसे मेन चीज़ जो कि इसकी इंजन होती है, भाई इंजन कौन सी आने वाली है, सबका यही सवाल होता है भाई इसमें कौन सी इंजन आने वाली है। तो भाई इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आने वाला है, जो कि CRAIL क्रेल डीजल इंजन होने वाला है भाई। अब आप पूछेंगे भाई 1.5 लीटर का डीजल इंजन होने वाला है, तो एवरेज तो अच्छी आएगी ही, पावर भी अच्छी खासी होगी, लेकिन इसमें पावर क्या होगा। तो पावर भाई इसमें आपको 115 PS की आपको पावर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात टॉर्क की जाए ना, तो 260 Nm का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1500 से 2750 RPM पे आपको 260 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, और 115 PS BHP की आपको पावर देखने को मिलेगी 3500 RPM पे।
भाई इसमें आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन बात आती है जब डायमेंशंस की ना, कि इसकी डायमेंशंस क्या, लेंथ की बात की जाए तो गाड़ी की जो लेंथ होने वाली वो 4308 mm की लेंथ होने वाली है। लेंथ भी अच्छी खासी है। विड्थ की बात करूँ तो 1810 mm की इसकी विड्थ है, और अगर हाइट की बात की जाए तो 1630 mm की इसकी हाइट है। जबकि अगर इसके व्हील बेस बात की जाए ना कि गाड़ी की व्हील बेस कितनी है, तो 2560 mm का आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिलेगा। अब बात आती है भाई स्टोरेज की, तो स्टोरेज भाई अंदर में स्टोरेज तो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है टाटा में स्टार्टिंग से। लेकिन अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए ना, तो इसमें आपको 422 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला भाई। मतलब टाटा आपको ये बोल रही है 422 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस देंगे, 360 डिग्री कैमरा देंगे, गाड़ी की लेंथ वगैरह देख सकते हो, कनेक्टिंग डीआरएल का फीचर देंगे, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक टेल लैंप का फीचर देंगे, एडास वगैरह के भी फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। डीजल इंजन आने वाली है, 1.5 लीटर सीसी इंजन होने वाले, जो कि पावर प्रोड्यूस करने वाली 115 bhp की, और टॉक आपको निकाल के देने वाली है 260 Nm की। अब इसकी प्राइस क्या होगी और गाड़ी कब लॉन्च होगी, गाड़ी तो भाई अगस्त के महीने में आई थिंक लॉन्च हो जानी चाहिए, 3-4 महीने में, तो प्राइस पे कैसे ये गाड़ी जस्टिफाई करती है आपको, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। तो और भाई यहाँ पे है टाटा की एल्ट्रोस, एल्ट्रोस का ये रेसर वाला एडिशन है भाई। तो इसमें खास क्या है, पहले तो आप इसकी कलर वगैरह का देख सकते हो, ब्लैक विथ आपको ये जो सैफ्रन का कलर दिया गया, उससे गाड़ी की लुक आप देख सकते हो। मतलब एक रेसिंग वाले एडिशन की जो कार्स होती है ना, उसकी लुक आ रही है यहाँ पे। तो अब भाई अपनी एल्ट्रोस है वो अब रेसिंग ट्रैक पे भी जाएंगे और वहाँ पे रेस वगैरह भी करेंगे। तो भाई अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए ना, तो यहाँ पे आपको इसकी लेंथ मिलने वाली 3990 mm की लेंथ होने वाली है। विड्थ की अगर बात की जाए तो विड्थ आपको 1755 mm की होने वाली है। वहीं अगर इसकी हाइट की बात की जाए ना, तो 1523 mm की आपको इसमें हाइट देखने वाली है। व्हील बेस वही रहने वाला है जो कि पहले था 2501 mm का। इंजन भाई, इंजन इसमें क्या चेंज किया गया, तो इंजन जो इसमें किया गया भाई 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 1200 cc का इंजन है। 3-cylinder इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये अल्ट्रोस का रेसिंग वाला एडिशन है जो कि, अब भाई गाड़ी अगर रेसिंग ट्रैक पे जाएगी तो इसे पावर भी चाहिए और टॉक भी चाहिए। तो पावर की अगर बात करें तो 120 bhp की पावर आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर वहीं टॉक की बात की जाए ना, तो 170 Nm का टॉक आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये थी भाई टाटा की अल्ट्रोस की रेसर। और यहाँ पे भाई और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये अपने सामने अभी लगी हुई है नेक्सॉन की ईवी डार्क एडिशन वाली है। साथ ही में यहाँ पे वो साइड भी टाटा की पंच ईवी भी है, नेक्सॉन की ईवी डार्क एडिशन भी है। साथ ही में भाई यहाँ पे जो नई नई भी लॉन्च हुई है टाटा की पंच ईवी, वो भी अपने सामने मौजूद है। इसका भी आप फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, लुक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो ये भाई हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।